हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार चंदन, हमारे यूट्यूब चैनल आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्त, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट मैच में रन कैसे बने, डेब्यू मैच में रन कैसे बने। क्योंकि दोस्त, क्या होता है कि हमारे पार्टनर के साथ अच्छा कॉलिंग नहीं होता है, रन आउट हो जाते हैं, या अलग अलग रीजन होते हैं हर प्लेयर के कि मैं सही सिलेक्शन, शॉर्ट सिलेक्शन सही नहीं कर पा रहा हूँ, सेफ में नहीं खेल पा रहा हूँ, कैच आउट हो जा रहा है, स्लिप में कैच हो जा रहा है, या कीपर कैच हो जा रहा है। तो मैं उसी के बारे में ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्त, आपसे एक रिक्वेस्ट है, दोस्त ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना प्लीज़। तो मैं शुरू करता हूँ। देखो क्या होता है दोस्त, जब भी मेरा अगला दिन मैच होता है तो उससे पहले रात में क्या होता है, नींद नहीं आता है। मतलब अंदर से घबराहट होता है, 12, 1 बजे, 2 बजे ऐसे नींद आते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था क्योंकि मैं भी खेलता हूँ, मुझे पता है सब क्या होता है प्लेयर के अंदर। तो दोस्त क्या होता है कि जब भी आप मैच खेलने जाते हो उससे पहले घबराहट होता है, तो उस दिन अगला दिन अच्छा नहीं हो पाता है। देखो क्या करना है, सिंपल तरीका है, अगला दिन मैच खेलने जाओ और जब भी आपको बैटिंग है ना, तो आप सिंगल पर ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि दोस्त क्या होता है, सिंगल जो होता है ना, सिंगल पूरा दबाव जो होता है ना, पूरा दबाव को ख़त्म कर देता है। सिंगल जैसे आप रोटेट करके अगला पार्टनर को दोगे, आप उस इंड पर चले जाओगे, तो आपको हल्का सोचने का मौका ज़्यादा मिल जाता है, सोचने का मौका मिल जाता है कि अगला बॉल कैसे खेलना है। और नया बॉलर आता है, नया बॉलर के आप 1-2 बॉल खेल जाओगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इन स्विंग कौन है और आउट स्विंग कौन है, या कौन क्या कर रहा है, आपको सब पता चल जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी जाओ आप सिंगल रोटेट करके अगला पार्टनर को दो, आपको फिर पता चलने लगेगा कि बॉलर कैसा है। क्योंकि परेशानी होता है कि ट्रायल मैच में आप जाते हो, जो भी मैच होता है, तो आपको पता नहीं होता है कि कौन बॉलर कैसे डालता है। अगर आप उसके साथ खेल रहे हो तो पता चलेगा कि कौन सा बॉल कब कब डालेगा, क्या करेगा। जब नहीं खेल रहे हो तो नहीं पता चलता। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब भी आप खेलने जाओ तो आप सिंगल रोटेट करके अपना पार्टनर को दे दो, उसके बाद आप उसका बॉल देखो कि अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है। ये तो हो गई बात। और दूसरी बात दोस्त क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर कहना है कि रन आउट हो जाते हैं। इसलिए रन आउट हो जाते हैं क्योंकि आप जो पार्टनर है वो भी तो ट्रायल मैच खेलने आए हैं, आप भी ट्रायल मैच खेलने आए हो, तो आपको उसके साथ तालमेल सही से नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप कॉलिंग सही से नहीं कर पा रहे हो, और कॉलिंग भी कर रहे हो तो कोई आ रहा है, कोई उधर चला जा रहा है, और उसमें आउट हो जाते हो। क्योंकि दोस्त का रन आउट जो होता है, रन आउट मतलब ऐसा होता है जिससे अपने आप में सुसाइड कर लिए। बोल्ड, कैच आउट, LB ये अलग बात है, और रन आउट जो होता है लगता है कि सुसाइड कर लिया। तो मैं दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप भी खेलो, जब भी आप ट्रायल मैच खेलने जाओ, तो आप सिंगल प्रोटेक्ट करो, और जब आपको कॉन्फिडेंट हो कि नहीं इस बॉल को मैं पार कर दूंगा या चौका मार दूंगा, तभी उस पर जाओ, नहीं तो आप हमेशा एकदम फोकस करो। अब बॉल जितना मतलब बाहर का बॉल तो छेड़ो नहीं, जब समझ में आता तब छेड़ो, नहीं तो कट मारो, नहीं तो उसको लेफ्ट कर दो, बाहर का बॉल लेफ्ट कर दो, छोड़ दो। और जो बॉल आपको कॉन्फिडेंस हो कि नहीं ये शॉट मैं खेलूंगा, तो आप खेलो और ज़्यादा सिंगल रोटेट करो। और दोस्त मैं बता रहा हूँ, देखो कॉलिंग सही करोगे, कॉलिंग सही करोगे तो कभी रन आउट नहीं होगे। पार्टनर के साथ बात कर लो, कॉलिंग करो, कभी रन आउट नहीं होगे। और सेफ शॉट करो, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ट्रायल मैच में जो सिलेक्टर होता है वो सीधे शॉट देता है। देखो दोस्त क्या होता है, ट्रायल नेट में जब ट्रायल देते हो तो ट्रायल में क्या होता है, शॉट सिलेक्शन देखता है, जो आपके जो सिलेक्टर होते हैं वो देखते हैं कि सीधा खेल रहा है, आड़ा खेल रहा है, तिरछा खेल रहा है। और जब भी आप मैच में, देखो सिलेक्टर के दो मांग होते हैं नेट में, क्या मांग होते हैं, लुक मांग होते हैं कि बॉल बाई बॉल खेल रहा है कि नहीं, जिधर का बॉल है उधर खेल रहा है कि नहीं, अगर कवर ड्राइव है तो कवर ड्राइव खेल रहा है कि नहीं, पुल का बॉल है तो पुल खेल रहा है या नहीं, वो देखते हैं। और आपको जब ट्रायल मैच होता है, ट्रायल मैच आपको रन देखते हैं कि बंदा रन कर रहा है नहीं कर रहा है। क्योंकि ट्रायल मैच क्या होता है कि रन से जरूरत होता है, वो ये नहीं देखते कि कैसा क्या खेल रहा है, रन बेसिक होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बेसिक नहीं होना चाहिए, बेसिक जो आपको सिखाया गया कोच के थ्रू सिखाया गया वो आपको करना है। लेकिन आपको ये नहीं कि मतलब अब जो मतलब सीखे हो बस वही करना, जब लगे कि मार देना है बॉल को, शॉट सिलेक्शन सही है तो सही कर देना है। आपको मैच में रन बनाना है, रन आप जितना बना सकते हो, और ट्रायल में आपको क्या है, बस लुक चाहिए कि सिलेक्टर क्या मांग रहे हो। जब भी ट्रायल दोस्त हमेशा कहते हैं, जब भी आप ट्रायल देते हो तो बस खाली दिमाग में ये रखो कि मैं अपने प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो भी एकेडमी में जाता हूँ डेली वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बस यही रखो। और जब भी आप ट्रायल में जाओ एकदम क्लियर माइंड से जाओ, ये नहीं सोचना है कि मेरे सिलेक्टर है मेरे ये देख रहे हैं तो हमसे नहीं होगा, ये मतलब हेजिटेट जरा से भी नहीं हो रहा है, जरा से भी घबराहट नहीं हो रहा है दोस्त। और बस जो मैं बताऊँ उस पर वर्क करो, नहीं मतलब ऐसा होगा तो फिर आप कमेंट में मुझे कुछ भी कहना। ठीक है दोस्त, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।